कितनी गर्मी है और कितनी देर लगेगी। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? चारों के चारों स्क्रू डाल दिए पानी में। बेटा अभी अभी कैसे फिट करूंगा मैं टायर? सब्र करो, बार बार क्यों बच्चों को डांटते रहते हो? चुप चुप हो जा बिल्कुल। तुम्हारा सिर्फ नाम माया नहीं है, तुम सचमुच की माया हो। तेरे इस लाड़ प्यार की वजह से ये बिगड़ गए। बंदर की औलाद है। क्या हंस रही है? क्या हंस क्या रही है? क्या हंसी आ रही है तुझे? बोल कैसे जाएंगे घर अभी? बोल अभी कैसे फिट करूंगा मैं टायर? अरे 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 मीठालाल, क्या हो गया भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊ नहीं तो क्या करूं, ये टायर पंचर हो गया था, मैं टायर बदली कर रहा था तो ये बंदरों ने वो चारों के चारों स्क्रू लात मार के पानी में डाल दिए। अभी कैसे मैं टायर फिट करूंगा? अरे भाई मीठालाल, हमारे पास मस्तक के साथ दिमाग भी है, अरे जरा समझदारी से काम लीजिए। बाकी के तीनों टायर के एक एक स्क्रू निकाल दीजिए और आपका चौथा टायर फिट कर दीजिए। धीरे धीरे गाड़ी शहर तक पहुंच जाएगी और शहर जाकर नए स्क्रू खरीद लेना। अब रोना बंद करो और समझना शुरू करो। अरे कोई है, कोई बचाओ! अरे अरे मेरा हाथ लॉक हो गया, कोई बचाओ! अरे अरे मीठा लाल, ये ठीक हो? अरे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ भाई, ये देखो मेरा हाथ कंधा सब लॉक हो गया है। अरे पर तुम इस उम्र में ये पुलअप करने क्यों लटके थे? तुम्हारे कहने से। मेरे कहने से? नहीं तो मैंने तो कभी ऐसा कोई निर्देश नहीं किया। अरे तुम सभी को वचनामृत में से वो सुख का सरनामा बताते रहते हो ना? जी हाँ बिल्कुल, उसमें है तो। हाँ तो परसों मैंने वचनामृत खरीदा और उसमें एक ऐसी बात पढ़ी कि हमें अपने अंग को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल सही पढ़ा तुमने। हाँ तो उसके मुताबिक अपने अंग को मजबूत करने के लिए मैं पुलअप्स कर रहा था, उसमें मेरी ये हालत हो गई। अरे कोई बात नहीं, इससे तुम्हें और बाकी सबको सबक सीखने को मिला। क्या? यही कि अपने आप शास्त्र समझने जाओगे तो ऐसे ही लटक जाओगे। शास्त्र कभी भी अपने आप नहीं समझे जाते, अरे वो तो गुरु के द्वारा ही समझ में आते हैं। और वचनामृत में हमारे अंगों को मजबूत बनाने के लिए जो कहा गया है, वो अंग शब्द हमारे शरीर के अंगों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी बौद्धिक समझ के बारे में बतलाया गया है। ओहो अच्छा, लेकिन अभी ये मुझे कैसे मालूम पड़े? अरे मीठा लाल वही तो मैं बता रहा हूँ, वचनामृत में ही कहा गया है कि सद ग्रंथों का ज्ञान तो सत्पुरुष के प्रकट होने पर उनके मुख से ही समझ में आता है, अपनी बल बुद्धि से समझा नहीं जाता है। प्रेक्षक मित्रों, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और पूज्य महंत स्वामी महाराज जैसे ब्रह्म स्वरूप संत के सत्संग के बिना तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। शास्त्र और संत दोनों को ही अपने जीवन में स्थान दीजिए, सहज आनंद घर में अपने आप आ जाएगा। आप दिए जलाइए, उजाला अपने आप फैलेगा। आप पुष्प बरसाइए, सुगंध अपने आप फैलेगी।